हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आए हैं, ये लेके आए हैं CGHS का 2BHK, 2 प्लस स्टडी प्लस स्टोर, या आप सर्वेंट भी कह सकते हैं। इसमें जो साइज़ आपका मिल जाता है, काफ़ी बड़े बड़े आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं, एक बड़ा आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है, साथ में डाइनिंग एरिया मिलता है। अभी जो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ड्राइंग रूम के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी में खड़ा हूँ, इसमें टू बेडरूम आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का मिल जाता है, साथ में अटैच वॉशरूम मिल जाते हैं, एक वॉशरूम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि आपके स्टडी रूम के साथ कनेक्ट रहता है। एक बड़ी बालकनी को कवर करके स्टडी रूम बना दिया गया है, आप उसको अगर ओपन करते हैं तो वो काफ़ी बड़ी बालकनी आपको इस प्रॉपर्टी में मिल जाती है। साइज़ की बात करूँ तो तकरीबन 1000 से 1100 स्क्वायर फीट के बीच में ये आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है दोस्तों। CGHS का ये अपार्टमेंट आपको मिल जाता है, सेक्टर 7 की लोकेशन मिल जाती है, द्वारका की बिल्कुल जो रामफल चौक की मार्केट है उसके सामने। आप सोसाइटी के बाहर निकलेंगे तो सामने बहुत बड़ी आपको मार्केट मिल जाती है, DDA का पार्क मिल जाता है, सोसाइटी के अंदर आपको पार्क्स मिलते हैं और एक मंदिर भी आपको सोसाइटी के अंदर मिल जाता है, एक छोटा कम्युनिटी हॉल आपको इस सोसाइटी में मिलता है। मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर्टी का व्यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे फ्यूचर में आने वाली प्रॉपर्टी की नोटिफिकेशंस आप तक सही समय पर पहुँच सकें। हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी का व्यू, मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉपर्टी की मेन एंट्रेंस पे। दोस्तों ये आ जाती है प्रॉपर्टी की मेन एंट्री, सामने आपको लिफ्ट मिल जाती है, सेपरेट एंट्री का ये आपको फ्लैट मिलता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे एक फ्लैट के साथ में दूसरी एंट्री रहती है, बट ये जो फ्लैट है ये बिल्कुल सेपरेट एंट्री का आपको फ्लैट मिल जाता है। इसमें आपको दो एंट्री मिल जाती है, एक मेरे राइट हैंड साइड पे जो छोटा सर्वेंट रूम आपको मिलता है उसमें से भी एंट्री एग्जिट मिल जाता है, और मेन एंट्री आपकी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ से आप जैसे ही एंटर करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस आपके ड्राइंग रूम का आपको मिल जाता है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो तकरीबन 18 फीट के आसपास ही आपको स्पेस मिल जाता है, और 10 से 11 फीट के ऐसे आपको स्पेस मिलता है। आपके कॉर्नर यहाँ पे पूरा जो है सोफ़ा कंप्लीट यहाँ पे आता है, सामने आप वेंटिलेशन देख सकते हैं, पूरी सोसाइटी का व्यू और सामने वाली सोसाइटी का भी व्यू आपको यहाँ से मिलता है, और सनलाइट सुबह के टाइम आपको यहाँ से मिल जाती है। दोस्तों ये आ जाता है पूरा आपका ड्राइंग रूम, यहाँ पे ऑलरेडी UPVC की विंडो का वर्क आपको इस प्रॉपर्टी में करके मिलता है। साथ में यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये हमारा आ जाता है डाइनिंग हॉल, ये आपका डाइनिंग हॉल आ जाता है, और डाइनिंग का जो एरिया है वो भी तकरीबन 10x12 का ये आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं तो आप देखिएगा कि दो जो बेडरूम है वो मेरे राइट हैंड साइड पे मिलने वाले हैं, स्टडी रूम और सर्वेंट रूम मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये जो रूम है इसको एज ए आप सर्वेंट रूम या स्टोर रूम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस रूम का जो साइज़ रहने वाला है तकरीबन 8x7 का ये आपका साइज़ इसमें आपको मिल जाता है। इसकी एक एंट्री एग्जिट आपको यहाँ से मिल जाती है, आप देखिएगा, और ये जो स्लाइडिंग है ये आपके सामने ड्राइंग रूम में ओपन हो जाती है। ये आ जाता है आपका स्टोर रूम और सर्वेंट रूम। अब इससे हम आगे की तरफ चलते हैं तो इस तरफ ये जो है ये एरिया आ जाता है हमारी बड़ी बालकनी का। दोस्तों बहुत बड़ी एक बालकनी जो है वो यहाँ पे इस सोसाइटी में फ्लैट के साथ मिलती है, बट इसको काफ़ी लोगों ने कवर करके इसको स्टडी रूम में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे ये वाला फ्लैट है आपको स्टडी रूम इसमें साथ में मिलता है। आप देखिएगा अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तकरीबन 8x10 का ये पूरा का पूरा जो स्पेस है, 10x11 फिट का ये जो स्पेस है ये आपको इसमें ऐसे मिल जाता है, और ये सामने की तरफ आप देख सकते हैं पार्क व्यू यहाँ पे आपको मिलता है, और कॉर्नर में पूरी सनलाइट आपको यहाँ पे मिलती है, एयर वेंटिलेशन भी काफ़ी अच्छी इस रूम में आपको मिल जाती है। इसी के साथ में ये अटैच आ जाता है एक वॉशरूम, एक छोटा वॉशरूम आप देखिएगा वो आपको यहाँ पे कनेक्ट मिलता है, टॉप टू टॉप आपको टाइल्स मिल जाती है, और सारी फिटिंग्स और एक्सेसरीज आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दी जाएगी इस वाले वॉशरूम में। तो आपका ये जो वॉशरूम है इस स्टडी रूम से कनेक्टेड आपको मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, तो ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। आप आइए, ये सेकंड बेडरूम जो है आप एज ए मास्टर बेडरूम इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों बेडरूम्स के अंदर स्टोरेज भरपूर मिलता है, बड़ी बड़ी अलमीराज हमें वुडन की बनी हुई मिलती हैं इस प्रॉपर्टी में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी ये पूरी टॉप टू टॉप आपको एक वुडन अलमीरा मिल जाती है स्लाइडिंग की, काफ़ी स्पेस इसमें हमको मिल जाता है।
ये देखिए आप, और इस वाले बेडरूम में एक अलमीरा आपको सामने मिलती है। आप देखिए काफ़ी बड़ी अलमीरा आपको ये मिल जाती है, ये भी पूरा का पूरा स्लाइडिंग मिलता है आपको। एक आपको विंडो मिल जाती है यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, आप देखिए यहाँ पे भी UPVC की विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल करके दी जाती है। एक आपको मिल जाती है सामने बालकनी, आप देखिएगा बालकनी का साइज़ भी काफ़ी सफिशिएंट यहाँ पे साइज़ मिल जाता है, और जो बालकनी का व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। सामने सोसाइटी का व्यू मिलता है, रोड व्यू मिलता है, काफ़ी ग्रीनरी आपको इस फ्लैट में यहाँ से देखने को मिलती है। इस बेडरूम में एक अटैच वॉशरूम मिलता है जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें पूरा क्रीम कलर का एंड ब्लैक कलर का कंट्रास्ट टाइल्स का काम आपको मिल जाता है। सारी की सारी फिटिंग्स आपको इंस्टॉल मिलती है, और फ्लोरिंग भी इसमें बड़ी सुंदर क्रीम कलर की आपको मिल जाती है। दोस्तों ये आ जाता है आपका सेकेंड बेडरूम और मास्टर बेडरूम। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम के अंदर, और वो भी आपको मास्टर बेडरूम में ही मिलता है, उसमें भी आपको वॉशरूम अटैच मिलता है। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आपके किचन के अंदर। देखिए यहाँ पे आ जाती है आपके किचन। किचन के अंदर एंटर करते ही बहुत सुंदर आपको एक लाइटिंग मिल जाती है, आपको एंट्री पे एक बड़ा सुंदर डेकोरेटिव आपको गेट मिल जाता है। यहाँ एंट्री करते ही ये देखिए आप, ये आपका आ जाता है पूरा पेंट्री का ऑप्शन। यहाँ पर अपना ड्राई स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद सामने की तरफ आप देखेंगे फाइबर की आपको चिमनी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसमें मिलती है। बहुत सुंदर टाइल्स का कंट्रास्ट का काम जो इसमें किया गया है, बहुत सुंदर आपको इस किचन में काम मिल जाता है। ये आप देखिए यहाँ पे आपको सिंक का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको यहाँ पे IGL का मीटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है। ऊपर आपको इस तरीके के बॉक्सेस मिल जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ी एक विंडो आपको मिल जाती है यहाँ पे, यहाँ से भी आपको पूरा पार्क का व्यू मिलता है। ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग मिलती है, नीचे पूरी आप देख सकते हैं इस तरीके की बॉक्सेस वाली आपको मॉड्यूलर किचन मिल जाती है ऑटो लॉक के साथ, और इसमें ऊपर भी आपको बॉक्सेस का काम मिलता है। कलरफुल टाइल्स आपको पूरी की पूरी स्लैब पे मिल जाती है, और ये आप इस तरफ देखेंगे तो इसमें आपको ऑलरेडी गीज़र जो है हिंदवेयर का वो आपको प्रॉपर्टी में इंस्टॉल मिलता है। दोस्तों ये गीज़र का जो ऑप्शन है बहुत कम प्रॉपर्टीज़ में मिलता है, किचन में भी गीज़र आपको लगा के दिया जाता है। ये आ जाता है आपका किचन, और काफ़ी अच्छा साइज़ आपको किचन का इसमें मिल जाता है 2BHK के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके थर्ड बेडरूम में, और वो भी मास्टर बेडरूम। ऐसे ही हम अपने थर्ड बेडरूम में एंटर करते हैं, कंप्लीट वुडन वर्क आपको इस वाले बेडरूम में मिल जाता है। आप देखिए मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आपको इतनी बड़ी अलमीरा यहाँ पर मिल जाती है, और एक अलमीरा मेरे सामने की तरफ आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी टॉप टू टॉप आपको अलमीरा बनी हुई मिलती है, और इस तरफ आप देखिएगा इस रूम में बालकनी को कवर किया गया है, तो इसका जो साइज़ है वो और भी बड़ा हो जाता है। इसका जो बेडरूम का साइज़ है तकरीबन 10x17 का इस बेडरूम का आपको साइज़ मिल जाता है, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये यहाँ पर आपको कम्प्लीट यू शेप की PVC विंडो आपको मिल जाती है। इसमें से आपके सनलाइट भी और एयर वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा इस वाले बेडरूम में भी रहता है दोस्तों। और इस वाले बेडरूम के साथ आपको एक मिल जाता है अटैच वॉशरूम, आप देख सकते हैं मेरे सामने की तरफ ये आपको अटैच इसमें वॉशरूम मिल जाता है। पूरा का पूरा आप देखिए इसमें लाइट ग्रे एंड डार्क ग्रे कलर का कंट्रास्ट का काम इस प्रॉपर्टी में इस वॉशरूम के अंदर आपको किया हुआ मिलता है, और ये आ जाता है यहाँ पर आपका बाथिंग एरिया। इसमें भी वेंटिलेशन आपको मिल जाता है वॉशरूम में। जैसा कि ये फ्लैट आपको दिखाया गया 2+ study+ store या आप सर्वेंट इसको कह सकते हैं, पूरा का पूरा फ्लैट बिल्कुल रेडी टू मूव आपको मिलता है। सेक्टर 7 की लोकेशन द्वारका की मिलती है, रामफल चौक की मार्केट के पास। यहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। DDA के पार्क, स्कूल, कॉलेज, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ पूरे द्वारका में मिलती है, बट सेक्टर 7 की ये जो लोकेशन है ऑन रोड आपको सोसाइटी मिल जाती है। इस फ्लैट की अदर डिटेल्स जानने के लिए, इस फ्लैट को विजिट करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस डिमांड रखा गया है वो 2.25 करोड़ रुपये का प्राइस डिमांड रखा गया है। मैं प्रशांत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ RP होम्स में। नमस्कार दोस्तों।